गाइस, हमारे इंडिया में चार प्रकार के रेलवे स्टेशन हैं, सेंट्रल, जंक्शन, टर्मिनल एंड स्टेशन। लेकिन इन चारों में अंतर क्या है, चलिए जानते हैं। सेंट्रल उस सिटी का सबसे पुराना और सबसे बिजी स्टेशन होता है, जिस पर ट्रेन का आवागमन बाकी स्टेशनों के मुकाबले ज्यादा होता है। जंक्शन ऐसा रेलवे स्टेशन जहाँ पर ट्रेन का आवागमन तीन अलग अलग दिशाओं से होता है, मतलब इस स्टेशन पर किसी ट्रेन के आने और जाने के लिए कम से कम तीन या इससे अधिक रूट्स भी होते हैं। सबसे अधिक रूट्स वाला जंक्शन मथुरा जंक्शन है, जहाँ से 7 रूट्स निकलते हैं। टर्मिनल ऐसे रेलवे स्टेशन को कहते हैं जहाँ किसी ट्रेन की यात्रा शुरू या समाप्त होती है, मतलब इस स्टेशन के आगे कोई ट्रैक नहीं होता है। इस स्टेशन के बाद ट्रेन को उसी दिशा में वापस जाना पड़ता है जिस दिशा से वो आती है। स्टेशन वह रेलवे स्टेशन जो सेंट्रल, जंक्शन और टर्मिनल की कैटेगरी में फिट नहीं बैठते हैं, मतलब इस रेलवे स्टेशन पर ट्रेन यात्रियों के सामने कुछ देर के लिए रुकती है और अगले स्टेशन के लिए रवाना हो जाती है। कभी कभी इमरजेंसी होने पर ट्रेन को लंबे समय के लिए स्टेशन पर रोक दिया जाता है।